हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ क्रिकेट नेक्स्ट स्टूडियो में मौजूद है नितिश। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम की, पॉइंट्स टेबल के लिहाज से। चेन्नई सुपर किंग्स विल बी अप अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स। चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत बेहतरीन टच में दिखाई दे रही है, एक बहुत स्टेबल इस समय पोजिशन में बैठी है पॉइंट्स टेबल। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की चीजें थोड़ी इधर उधर हैं और काफी कुछ डिपेंड करता है उनके इस गेम के ऊपर और जो दो तीन गेम उनके आसपास खेले जाने वाले हैं उसके ऊपर। वेल, यहां बात करेंगे हम प्रोबेबल 11s और फैंटेसी 11 की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबल 11 ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। रितेश, मुझे लगता है कि वहीं पर शुरुआत करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, और साथ में जिंके रहाणे, मोइन अली, अंपति रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और महेश दीक्षित। नहीं, बिल्कुल ठीक, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक ये 11 है। और बाद में शायद पथे राणा को आप देख सकते हैं, या एज एन अगर बॉलिंग 11 बनती है तो शायद पथे राणा को उसमें देख सकते हैं, उसके बाद शायद उनको बैठा सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है एमएस क्या डिसीजन लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि टॉप 12 में वो जरूर देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उन्हें नहीं बैठा पाएंगे। तो कमिंग डाउन टू कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उसकी क्या 11 रह सकते हैं? मुझे लगता है कि उसमें होंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, जैसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, अंकुल रॉय, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल, ये भी एक बहुत स्टेबल लाइनअप है। कहीं ना कहीं मैं बहुत टाइम से ये बात बोल रहा हूँ कि केकेआर ने बहुत स्टेबल लाइनअप बनाया था, लेकिन थोड़ा कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो गई उनके, दे सफर्ड अर्ली ब्लोज इन द टूर्नामेंट, उसके बाद प्लेयर्स इधर उधर चले गए, वरना बहुत एक बेहतरीन टीम थी। खैर, जहां तक बात है इस इन प्लेयर्स की, तो ये भी बहुत बहुत स्टेबिलिटी लाते हैं एक लाइनअप के अंदर। और मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा अगेन एज अ बॉलर, सुनील माफ कीजिएगा सुयश शर्मा को कहीं ना कहीं मैं ऐड करूंगा इफ आई एम यू नो इफ आई मेक द बोलिंग 11। अगर उन्हें फैन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर भी लेकर आना, तो मैं उनको जरूर डालूंगा इसमें। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर, इस एडिशन के अंदर। कमिंग डाउन टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग पार्ट, जिसके लिए हमारे दर्शक वेट करते हैं, तो फैंटेसी 11 क्या हो सकती है? बैटर से मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे लगता है कि बैटिंग में जेसन रॉय, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जेसन रॉय एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि बहुत तेज खेलना जानते हैं जी, और ओपन भी करते हैं दोनों। ऋतुराज गायकवाड़, जेसन रॉय दोनों ओपन कर रहे हैं, शिवम दुबे भी तेज खेल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ तो दिख रहे हैं एक अलग ही टच में दिख रहे हैं, और साथ में शिवम दुबे बिल्कुल बहुत अच्छी बैटिंग करी है इस वाले आईपीएल में, तो मतलब तारीफ के लायक है। आके इतने लंबे लंबे छक्के लगाना, कम बोलो में ज्यादा रन बनाना, तो हमें दर्शकों को उससे ज्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बॉलर्स की जहां तक बात है, तो वो कौन रह सकते हैं? मुझे लगता है कि बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, तुषार देशपांडे और महेश तीक्षणा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक केकेआर के मुझे इकलौते ऐसे बॉलर लग रहे हैं जो विकेट निकाल निकाल के उनको दे रहे हैं, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। और साथ में तुषार देशपांडे तो शुरू से टर्न अराउंड हुआ, शुरू में डांट पड़ी थी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, 50-60 लाख लोगों के आगे डांट पड़ी थी उन्हें, तो खैर मेरे ख्याल में वही एक वो काम कर गई, वो जो डांट थी ना थाला से, जो उन्होंने बोल दिया था कि आप कैप्टन ढूंढ लीजिएगा अगर ऐसी वाइड फेंकनी है, तो वो काम कर गई आपके लिए। और हाँ बिल्कुल, महेश तीक्षणा मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, जिस तरीके से ग्रूमिंग चल रही है कुछ दो प्लेयर्स की, महेश तीक्षणा और उन्हीं के जो शायद टीममेट हो सकते हैं पथे राणा आगे जाकर के, और बहुत यू नो वी कैन सी देम बोलिंग टैंडम स्पेशली इन T20s फॉर श्रीलंका इन कमिंग इयर्स, तो ये हो सकते हैं बॉलर्स आपके। उनके विकेट कीपर्स कौन हो सकते हैं? मुझे लगता है कि विकेट कीपिंग में डेवन कॉनवे और रहमानुल्लाह गुरबाज को रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ओपन करते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी रन बना सकते हैं, बिल्कुल। और ऑलराउंडर्स की जहां तक बात है, तो एंड्रे रसल, रविंद्र जडेजा और मोइन अली मेरे ऑलराउंडर्स रहेंगे आई गेस, इनके अलावा कोई है भी नहीं, आपको भी नहीं चाहिए ऑप्शन। कमिंग टू कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो वो कौन हो सकते हैं? मुझे लगता है कि कैप्टन में ऋतुराज गायकवाड़ को रखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे टच में खेलते हुए आ रहे हैं और जल्दी रन करते हैं काफी, और संभाल कर भी खेलते ही नहीं कि अपना जल्दी विकेट दे देते हैं, तो हमें कैप्टन में सेफ रखना चाहिए ऋतुराज गायकवाड़ को, और उसके बाद वाइस कैप्टन में आप किसको रखेंगे? एंड्रे रसल को, बिल्कुल, या आप रविंद्र जडेजा के साथ भी जा सकते हैं, तो ये स्लैश है, बट आई वुड रादर गो विद एंड्रे रसल, he is now back in his touch, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो वो आपको रन भी दे सकते हैं, विकेट्स भी दे सकते हैं, कैचिंग फील्डिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो आप ये आपकी फैंटेसी 11 और प्रोबेबल 11 रह सकती है। ऐसी स्टोरीज के लिए हमें करते रहिए फॉलो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास है सारी लेटेस्ट खबरें और सारे लाइव स्कोर्स, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू।